मधुबनी जिले के इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के प्रांगण में आज सशस्त्र सीमा बल मेला का आयोजन किया गया। गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल जयनगर की अध्यक्षता में यह सशस्त्र सीमा बल मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर संदीक्षा अध्यक्ष शिल्पी ओझा, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम कैलाश पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष जयनगर इनायत हुसैन, उप महाप्रबंधक नेपाली रेलवे जयनगर, एसएल मीना स्टेशन अधीक्षक नेपाली रेलवे स्टेशन जयनगर एवं स्थानीय पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मेले का आगाज गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट संदीक्षा अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी ओझा एवं संदीक्षा सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके सशस्त्र सीमा बल मेला का शुभारंभ किया। इस मेले के दौरान वाहिनी मुख्यालय की अधीनस्थ सभी बाह्य समावयों ने अपना अपना स्टॉल लगाया था, जिसमें कुल 16 प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। इस मेले में बच्चों एवं सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसी कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल श्वान दल ने भी 5 विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन दिखाकर मेले में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस मेले का समापन तंबोला खेल के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंत में गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस मेले को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट।